आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में टैप और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल आईटीआई स्टडी सेंटर अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैप के बारे में जानते हैं कि टैप क्या होता है और टैप किस काम में आता है। सब लोगों ने नट और बोल्ट को देखा होगा। तो हमारा जो नट होता है, नट के अंदर यहाँ पे जो चूड़ियाँ कटी हुई हैं, ये हमारी आंतरिक चूड़ियाँ होती हैं, और ये जो हमारा बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर यहाँ पे जो चूड़ियाँ कटी हुई हैं, ये हमारी बाह्य चूड़ियाँ होती हैं। तो टैप का हमारा काम होता है आंतरिक चूड़ी काटने वाला कटिंग टूल होता है टैप, यानी कि ये अंदर चूड़ियाँ काटता है किसी पार्ट में, तो ये हमारा नट में चूड़ियाँ काटने के काम में आएगा। टैप हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी हार्ड व टेम्पर की रहती है। बॉडी पर चूड़ियां व फ्लूट्स बने रहते हैं। जैसे ये हमारा टैप है, इसकी बॉडी पर यहाँ पे चूड़ियां बनी हुई हैं और यहीं पे फ्लूट्स बने होते हैं, ताकि जो है इसमें जो चिप्स निकले वो बाहर आ जाए। गोल सुराख में टैप द्वारा चूड़ी काटने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं, यानी कि टैप का प्रयोग करके अगर हम चूड़ी बनाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं टैपिंग। टैप के भाग, यानी कि टैप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टैप का पहला पार्ट है टैंग। ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम टैंग कहते हैं। टैंग के द्वारा ही इसको रेंच में पकड़ा जाता है और घुमाया जाता है। अगला भाग है सैंक। टैंग और बॉडी के बीच का भाग होता है। ये हमारा टैंग होता है, ये हमारा बॉडी होता है। इन दोनों के बीच का ये वाला जो भाग है, ये हमारा सैंक होता है। सैंक के ऊपर हमारा ड्रिल का साइज, थ्रेड के प्रकार आदि जो है अंकित रहते हैं। अगला हमारा भाग है बॉडी। इस पर चूड़ियां व फ्लूट बने होते हैं। ये वाला जो भाग है, ये हमारा बॉडी होता है। इस पे जो है चूड़ियां यानी कि थ्रेड्स कटे होते हैं और हमारे फ्लूट्स बने होते हैं। टैप के भागों में अगला भाग है फ्लूट्स। फ्लूट्स जैसा कि हम जान चुके हैं, बॉडी की लंबाई पे बने होते हैं। ये एक ग्रूव होते हैं जिनका काम होता है चिप्स को बाहर निकालना और लुब्रिकेशन के लिए जगह प्रदान करना। जब हम लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं फ्लूड्स के माध्यम से लुब्रिकेशन जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पे पहुँचता है, घर्षण को कम करता है और हीट हमारी कम जनरेट होती है। अगला भाग है कटिंग एज। ये हमारा जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा कटिंग एज दिखाया गया है, ये वाला भाग। कटिंग एज काम होता है चूड़ियों का अगला किनारा होता है, यही जो है चूड़ियों को काटता है। हील होता है, ये हमारा कटिंग एज के पीछे का भाग होता है। अब हम टैप मार्किंग के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, सैंक के ऊपर जो है हमारी टैप की मार्किंग की रहती है, जिस पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x8 20NS HSS GS3। जहाँ पे जो 3x8 है, ये होता है हमारा नॉमिनल साइज। इसके बाद है हमारा थ्रेड फॉर्म सिंबल। इसके बाद है हमारा टैप मटेरियल HSS, और GS3 है हमारा पिच डायमीटर लिमिट। नॉमिनल साइज होता है टैप द्वारा बनाई जाने वाली चूड़ी का साइज, यानी कि जो हम चूड़ी बना रहे हैं उसका साइज होता है। थ्रेड फॉर्म सिंबल होता है कि हम कौन सी चूड़ी वहाँ पे बना रहे हैं, BA थ्रेड बना रहे हैं या BSW थ्रेड बना रहे हैं, स्क्वायर थ्रेड बना रहे हैं, वो जो है इसमें पता लगता है। टैप का पदार्थ, यानी कि ये हाई स्पीड स्टील का बना है या हाई कार्बन स्टील का बना है या किसी अन्य धातु का बना है, ये जो है उस पर अंकित रहता है। पिच डायमीटर जो होता है, ये हमारा थ्रेड का टॉलरेंस होता है, यानी कि कितना उसको छूट प्रदान की गई है। इसका एक पूरा चार्ट होता है जहां से देख के हम उसका टॉलरेंस निकाल सकते हैं या पता कर सकते हैं। टैप के प्रकार, टैप का पहला प्रकार है हैंड टैप। हैंड टैप जो है हमारा हाथ द्वारा आंतरिक चूड़ी काटने में प्रयोग किया जाता है। हैंड टैप जो है वो एक सेट में उपलब्ध होता है जिसके अंदर तीन टैप होते हैं, यानी कि इसमें टेपर टैप होगा, माध्यमिक टैप होगा, प्लग या बॉटमिंग टैप होता है। हैंड टैप का प्रयोग करके जब भी हम चूड़ियां काटते हैं तो सबसे पहले हम लोग टेपर टैप का प्रयोग करेंगे। टेपर टैप क्या होता है, यह कोने से, यानी कि इसका जो कॉर्नर है आप देख सकते हैं, इसमें 8 से 10 थ्रेड जो हैं वो टेपर होती हैं, तो ये पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे माध्यमिक टैप का। माध्यमिक टैप जो होता है, इसमें शुरू की 3-4 चूड़ियाँ जो है टेपर होती हैं, बाकी पूरी सीधी होती हैं। इसका काम जो है चूड़ी काटने के काम आता है, ये पूरी तरह चूड़ियाँ काटता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग उसी छिद्र में बॉटमिंग टैप का प्रयोग करेंगे। ये होता है हमारा जो चूड़ी हमने काटी है उसको फिनिशिंग प्रदान करने के लिए
इसका प्रयोग करते हैं। अगला है पहचान के लिए एक दो तीन या रिंग का निशान रहता है, यानी कि इन्हीं टैब के ऊपर एक दो तीन लिखा रहेगा, क्योंकि अगर एक दो तीन नहीं लिखा रहेगा तो आप जो है सबसे पहले कौन सा प्रयोग करेंगे ये पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए इस पे निशान बना रहता है कि पहले इस वाले टैब का प्रयोग करेंगे, फिर इस वाले टैब का प्रयोग करेंगे, फिर इसका टैब प्रयोग करेंगे, या इसके ऊपर कुछ निशान बना रहेगा, यानी कि यहाँ पे एक लाइन बनी रहेगी, यहाँ पे दो लाइन बनी रहेगी ऐसे, और यहाँ पे तीन लाइन बनी रहेगी, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो है लास्ट में प्रयोग करना है, ये पहले प्रयोग करना है, ये उसके पहले प्रयोग करना है। टैब का अगला प्रकार है मशीन टैब। मशीन टैब ऐसे टैब होते हैं जिसमें टैपिंग प्रक्रिया मशीनों में टैब को बांधकर किया जाता है। इसका पहला प्रकार है स्पाइरल पॉइंट टैब या गन नोज या बुल नोज टैब। इसमें स्पाइरल कट रिलीफ ग्रुप के साथ दिया रहता है, सामने की कटिंग एज पर स्पाइरल कोण बनता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। चिप्स काटने व फिनिशिंग में सहायक होता है। आर पार छिद्र में उपयोगी होता है, क्योंकि जब हम ये टैप यूज करते हैं तो ये सीधे चिप्स के रूप में मटेरियल को काटता है, तो जिसमें आर पार होल है उसमें चिप्स कट के नीचे गिर जाती है, तो इस टैपिंग का प्रयोग करने से उसमें बहुत सहायता मिलती है। लेकिन ब्लाइंड होल में इसमें दिक्कत आती है चूड़ियां काटने में, क्योंकि ब्लाइंड होल में होल आर पार नहीं होता, तो जो मटेरियल कटता है वो उसी में इकट्ठा होता जाता है, तो लास्ट में जहां चूड़ियां बनती है वहां पे सही से चूड़ियां नहीं बन पाती हैं। मशीन टैप का अगला प्रकार है स्पाइरल फ्लूट या गन टैप। इस टैप के द्वारा ऊपर की तरह चिप्स निकलती है, जिससे जो है ब्लाइंड होल में इसका हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। मशीन टैप का अगला प्रकार है पाइप टैप। पाइप टैप पाइप की चूड़ियां काटने में प्रयोग किया जाता है। यह सीधे व टेपर दोनों में उपलब्ध होता है, यानी कि अगर सीधी पाइप में चूड़ियां काटनी हो तो हम सीधे वाले टैप का प्रयोग करेंगे, और टेपर पाइप में चूड़ियां काटनी हो तो टेपर टैप का प्रयोग करेंगे। मशीन टैप का अगला प्रकार है फार्म या रोल टैप। फार्म या रोल टैप ये जो है कोई चिप्स नहीं काटता है, सीधे रोल करके चूड़ियों का निर्माण करता है, इसीलिए इसे हम रोल टैप भी कहते हैं। इसमें धातु के दबने से चूड़ियों का निर्माण होता है। यह मुलायम धातुओं जैसे एल्युमिनियम, तांबा आदि में चूड़ी काटने के काम आता है। कुछ स्टील जिनकी स्ट्रेंथ 36 HRC तक होती है उनमें भी चूड़ियों का निर्माण इस विधि से किया जा सकता है। मशीन टैप का अगला प्रकार है लॉन्ग सैंक टैप। इस टैप का प्रयोग अधिक गहराई में चूड़ियां काटने के लिए होता है, या ऐसी लोकेशन जहां पे नॉर्मल टैप का प्रयोग नहीं कर सकते, बीच में कुछ व्यवधान है या कोई और पार्ट पड़ जाता है, वहां पे इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम टैप रेंज के बारे में जानते हैं। टैप रेंज का प्रयोग होता है टैप को हाथ से पकड़कर उसको घुमाने के लिए। यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है इसमें हम दोनों साइड से इस और इस साइड से इसको हम धीरे धीरे खोल लेते हैं, और इसके बीच में टैप को फंसा कर यहाँ पर हम जो है टैपिंग प्रक्रिया करते हैं। ये जो टैप रेंच है इसको हम बोलते हैं डबल एंड एडजस्टेबल टैप रेंच। यह सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और यह कई साइजों में उपलब्ध होता है। टैप रेंच का अगला प्रकार है टी टैप रेंच। टी टैप रेंच में दो जबड़ों वाला एडजस्टेबल वक्र लगा रहता है। इसका प्रयोग छोटे टैप के लिए किया जाता है। ये जो है हमारा जो है टी टैप रेंच है, यहाँ पे जो है ये एडजस्टेबल वक्र दिखाया गया है। जब इस पार्ट को जो है घुमाते हैं तो ये हमारा जो है खुल जाता है, जिसके अंदर हम टैप को लगाते हैं, उसके बाद इसको टाइट कर देते हैं और हैंडल की सहायता से घुमा के हम चूड़ियां काटते हैं। टैप रेंच का अगला प्रकार है ठोस टैप रेंच। ठोस टैप रेंच में टैप लगाने के लिए कई खांचे बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दो खांचे दिख रहे हैं, इसी तरह दो खांचे जो है उल्टी दिशा में भी होंगे। इसमें यह खासियत होती है कि इसमें एक खांचे में एक ही साइज का टैप लगता है, यानी कि कुल इसमें चार साइज के टैप लगा सकते हैं। इस तरह ये कई साइजों में उपलब्ध होते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक कीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई मन में सवाल है तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए, मैं उसका निश्चित ही रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।